Assalamualaikum everyone. कैसे हैं? ठीक है. ईद आने में कितने डेज रह गए हैं? 6 days नहीं, 8 days रह गए हैं. तो त्योहामी बहुत बोर हुआ है, तो हमने डिसाइड किया कि हम थोड़े से ईद क्राफ्ट करेंगे और आप सबको भी हम टीच करेंगे. जो बना रहे हैं वो है क्राफ्ट शीप बना रहे हैं चॉकलेट एग से. और बहुत बहुत प्रिटी शीप होगी, उसमें हम फॉन्डेंट यूज करेंगे, उसके अंदर सरप्राइज स्किटल्स होंगी. आपने कुछ और बताना है? नेक्स्ट क्या बताएंगे? नेक्स्ट क्या बनाएंगे हम? नेक्स्ट एक्चुअली हम एक क्लाउन बनाएंगे. क्लाउन? ओके, हम क्लाउन भी बनाएंगे, लेकिन नेक्स्ट जो हम करेंगे क्राफ्ट वो हम पेपर. इट विल बी लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, द क्लाउन विल बी, बट आई डोंट नो हाउ टू मेक इट. इफ वी कांट मेक इट देन वी विल लीव दैट क्लाउन ओवर देयर. ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं, शीप बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हाउ इट गोज. इसके लिए जो आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जो वाइट फॉन्डेंट ले लें आप, ब्लैक फॉन्डेंट, और ये ऑफ वाइट या क्रीम कलर फॉन्डेंट ले लें, ग्रीन, लाइट ग्रीन, और ग्रीन स्प्रिंकल्स, स्किटल्स चाहिए आपको, ठीक है, और किंडर एग चाहिए, कटर ले लें. शीप के लिए उसकी ग्राउंड बना लेते हैं. आप इसके ऊपर स्टिक कर दें स्प्रिंकल्स. अच्छा, अब आप इसको थोड़ा सा आप इसको प्रेस करें. अब आप इसके, अभी मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, मैं अभी गैस ही कर रही हूँ, आपको भी इसी तरह से ही देखना है कि क्या करना है. सारा गेस्ट वर्क पे बेस्ड है. दो जो है वो आप बड़ी वाली काट लें, जिससे लेग्स बन जाएंगी, और ये जो है आप दो छोटी वाली कर लें, ठीक है. और ये जो छोटी वाली हैं इनको आप इस तरह से आगे से एक छोटा सा कट लगा दें ताकि उसके फीट बन जाए ऐसे, ठीक है. ये तो ये देखो. ओके, सो बाकी भी हम इस तरह कर लेते हैं. ये देखिए, अब इसको हम ऐसे सेट कर देते हैं. ऐसे लेटर ऑन एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, जिस तरह से आपने एग को प्लेस करना है. उसका हेड बनाने लगी हूँ, बॉल मैंने बनाया, उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से प्रेस कर रही हूँ, थोड़ा सा यहाँ से इसे प्रेस कर रही हूँ, ठीक है. यहाँ पे तो हम ईयर्स लगाएंगे, ठीक है. ये उसकी शेप बन गई, बस थंब प्रिंट आप लगाएं और ये उसकी शेप बन जाएगी, ठीक है. थोड़ा सा आप नीचे से प्रेस कर लें, थोड़ा सा ऊपर से प्रेस करके आप इसको अपने तरीके से इसको बना. ईयर्स बनाने के लिए मैं थोड़ी सी ब्लैक फॉन्डेंट लूँगी, सेम क्या बना रहे हैं आप? प्रिंटर. ये देखें, ड्रॉप की शेप में आपने इसके ईयर्स बना, इसका स्माइलिंग फेस बना लेंगे. इसको हम यहाँ पे लगाते हैं. इट्स अ हैप्पी शेप. आई कैन मेक इट. मैं सबसे पहले फेस पे आईज लगाने के बजाय उसका माउथ इसलिए बनाती हूँ कि फिर मुझे इजी हो जाता है ये देखना कि मुझे उसकी आईज कितनी बनानी है. आई थिंक बड़ी आईज बना के देख लेते हैं, अगर सूटेबल नहीं हुई तो हम छोटी छोटी आईज लगा लेंगे उसके ऊपर. आईज बनाने लगी हूँ वाइट फॉन्डेंट लेके, बहुत थोड़ी थोड़ी आप लेंगे. अब मैं इसके आईज के ऊपर आई बॉल्स बनाऊंगी, कलर से डॉट लगा दूंगी. ये देखें,
शीप रेडी हो गई है। तो यूं करके हम इसकी एडजस्टमेंट करते हैं। ये देखें, ये वाली लेग्स पीछे कर देते हैं थोड़ी सी। मुझे ये तो खड़ी होने लगी थी। अब ये है कि ये अगर स्टिक नहीं करेगी तो आप इसको वाटर लगा के इसे स्टिक कर देंगे, ठीक है? ओके। अब नेक्स्ट ये है कि मैंने इसमें तेहामी के ये जो प्लेडो का मोल्ड है इसको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है और इसको मैं यूज़ करूँगी इसके ऊपर शीप की वूल बनाने के लिए। ये देखिए, लेके वेरी सिंपल इसको आप यूँ करके रोल करके, ये देखें, ये देखें, और शीप के ऊपर आप लगाते जाएं, ठीक है? ये देखें ऐसे, ट्राई करते हैं अब इसके, बन गया उसका। अब उसकी टेल की टर्न है। आइसक्रीम पे या कपकेक पे लगाते हैं, उस तरह से बनाए, इधर लगाते हैं। फनी लिटिल टेल, थोड़ा सा ये रेडी हो गई। अब थोड़ी सी हम और थोड़ी सी ग्रास लगा देते हैं। ये आपकी शीप रेडी हो गई है। ओके, आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपको इसमें फॉन्डेंट की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे लिख के भेजें, इंशाल्लाह मैं आपको फॉन्डेंट भी टीच करूँगी। ओके, चलिए बाय बाय कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।